तो प्रवृत्ति मार्ग मतलब कि खाते पीते मौज मस्ती करते, ये वो, ये मार्ग जो है बहुत टाइम टेकिंग है, पहुंचेंगे लोग लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत समय की बर्बादी होती है और पूरे चांसेस हैं भटकने का, डिविएट होने का। जैसे गूगल, आप मान लो गूगल में डालते हो यहाँ से वृंदावन, अब ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कभी कभी दिखाता है सिमिलर टाइम, इधर चले क्या, अब उधर चले जाते हैं, अब वहाँ से गए पता चला कहीं भटक भुटू गए, गायब हो गए, अब वहाँ जाके फ़ोन करते हैं, प्रभु जी हम भक्ति में तो आए थे लेकिन ये बड़ा रास्ता सन्नाटा लग रहा है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है ये, मतलब तो यानी कि आपने गलत रास्ता चुन लिया है, रिट्रेस वापस आइए, फिर ट्रैक पर चलना शुरू कीजिए, फिर ट्रैक पर चलते रहेंगे। तो जब हम चलते हैं तो माया देवी क्या करती है, हमारे लिए कई सारी व्यवस्थाएं बना के रखती है, बीच बीच में बुलाते रहती है, अच्छा आजा। वो जैसे भटकते हैं गए, समय खराब, 2 साल 4 साल 5 साल खराब हो गया, फिर जब समझ में आता है नहीं गड़बड़ हो गया, फिर आते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, फिर इस बार कुछ और प्रलोभन, दूसरा प्रलोभन आता है। तो तभी रूप गोस्वामी ने कहा है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, जब तक हम किसी न किसी लाभ पूजा प्रतिष्ठा किसी भोग की इच्छा में रहेंगे तो फिर क्या होगा, भगवान का ये जो डेस्टिनेशन है ये प्राप्त नहीं होगा, इधर उधर उलझे रहेंगे। और कई लोगों को लगता है कि यही भक्ति है, जुड़े हुए तो है ना, वो जुड़े हुए रहने से कोई मतलब नहीं है, वो पेड़ के पीले पत्ते के समान होते जो खाली कहने को बस चिपके हुए हैं। देखिए आपने पेड़ के पीले पत्ते इस मौसम में बहुत सारे दिखेंगे, वो हिलते रहते हैं, जहां तेज हवा आई ना बस वो पत्ता के नीचे गिर जाएगा। तो जुड़े रहने का मतलब कि पीला पत्ता नहीं, हरे पत्ते के समान प्रॉपर नरिशमेंट होता रहना चाहिए और समय समय पर दिखते रहना चाहिए। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हर एक आदमी को हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, पिछले 15 दिनों में हमने क्या पॉजिटिव किया, क्या हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं या पता चला उल्टा माइनस में जा रहे हैं। तो सनय सनय क्रमशः हमारा जो है विकास होना चाहिए, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। अगर स्वाद नहीं मिल रहा, आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा भक्ति में, यानी कि कुछ ना कुछ गोलमाल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मेटेरियल अट्रैक्शन बढ़ रहा यानी कि स्पिरिचुअल अट्रैक्शन घटेगा, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन बढ़ रहा यानी कि मेटेरियल अट्रैक्शन घटेगा। तो ये है प्रवृत्ति मार्ग। फिर आता है निवृत्ति। निवृत्ति मार्ग का मतलब कि जो हमारे नियमक सिद्धांत हैं उनको पालन करना और बस आराम से बस चलते रहना, और जो आवश्यक सुविधाएं वो हमारे को दी जाएंगी। जैसे एक श्लोक आता है, ये मेरे ख्याल से भगवद गीता का है, 1 पॉइंट किसमें था, 10.11, यस, इसके लास्ट पैराग्राफ में देखिए, प्रभुपाद जी अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया, दिख रहा ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू द कॉन्टेमिनेशन ऑफ मेटेरियल एसोसिएशन थ्रू मेनी मेनी मिलियंस ऑफ बर्ड्स, वन्स हार्ट इज ऑलवेज कवर्ड विद द डस्ट ऑफ मेटेरियलिज्म, बट वेन वन इंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस एंड कॉन्स्टेंटली चैंट्स हरे कृष्ण मंत्र, द डस्ट क्विकली क्लियर्स एंड वन इज एलिवेटेड टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर नॉलेज। तो जन्म जन्मांतर से मेटेरियल एसोसिएशन हमारा भौतिक संसार से हमारा लेना देना रहा है, अब जैसा हमारा एसोसिएशन हो, जैसा संग वैसा रंग, तो हमारी कॉन्शियसनेस भी उसी पॉल्यूटेड हो गई है। तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं और दो चीजें करते हैं, सिर्फ दो चीजें, एक प्रेममयी सेवा भक्ति और दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र, ये दो चीजें करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे हृदय पे वो जो गंदगी है चेतो दर्पण मार्जनम, वो धीरे धीरे वो क्लियर होने लगता है। और फिर क्या होता है, जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, जो अल्टीमेट गोल है, विष्णु कैन बी अटेंड ओनली बाय दिस चैंट एंड बाय डिवोशनल सर्विस। तो इसी चैंटिंग से और डिवोशनल सर्विस से, बस ये सिंपल प्रोसेस है, इसी को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम आराम से भगवान विष्णु को प्राप्त करेंगे। सो दैट